ये डेट नहीं टली है जी, ये पीडीए के लिए फांस बन गई, विपक्ष के लिए फांस बन गई है जी, एक खेला हो गया है। अच्छा, ये खेला इसलिए हो गया है, 13 तारीख को अगर वोटिंग होती तो माहौल और नजारे कुछ और होते, लोगों की सोच और विचारधारा एक सेट हो जाती है कि हमको फला पार्टी को वोट करना है। एक हफ्ता जैसे बढ़ा फिर उनकी सोच और वो सारी चीजों फिर लंबा फासला हो गया, लोग माइंड सेट कर लेते हैं हमको फलाने को फलानी पार्टी को वोट करना है। लेकिन एक हफ्ते का जो टाइम सरकार ने बढ़ा दिया है, उस एक हफ्ते के टाइम बढ़ने की वजह से अब उसके खर्चे भी बढ़ गए हैं, जो पर्दे के पीछे का सच है। जी, जी, जी। अब अगर 7 दिन में एक एक कैंडिडेट 2-2 करोड़ रुपया खर्च कर, चुनावी कवरेज मिल्कीपुर की हमारी जारी है। जैसा कि आपको पता है कि राज नारायण पांडे जी जो यहाँ मिल्कीपुर के स्थानीय पत्रकार काफ़ी लोकप्रिय हैं, इनका साक्षात्कार मैंने 15 दिन पहले किया था, तो लोगों की एक डिमांड थी एक बार फिर उनको पकड़ के ले आइए, लेकिन मुश्किल ये है कि ये चलते रहते हैं, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इनका हुलिया आप देख रहे हैं किस स्थिति में हमको मिले हैं, और ये इस समय आइकान बन चुके हैं मिल्कीपुर को, इनको लोग सुनना चाहते हैं। 15 दिन पहले का जो माहौल था आज माहौल बदल चुका है, क्योंकि चुनाव की तिथि आगे बढ़ गई है 20 तारीख, बीच में भी मिल्कीपुर का चुनाव डंप हो गया था चूँकि हम लोग कटेहरी साइड में थे, लेकिन अभी चुनाव की तिथि टल गई, 20 तारीख को हो गया, 13 से 20 हो गया, तो लग रहा है कि चुनाव शायद दो सब साथ ही करा लिया जाएगा, चोट कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, आज एक कल में उसका निर्णय आ जाएगा। आज क्या माहौल है जानने के लिए मैं कोशिश करता हूँ राज नारायण पांडे जी। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद पाठक जी। ये डेट नहीं टली है जी, ये पीडीए के लिए फांस बन गई, विपक्ष के लिए फांस बन गई है जी, एक खेला हो गया है। अच्छा, ये खेला इसलिए हो गया है, 13 तारीख को अगर वोटिंग होती तो माहौल और नजारे कुछ और होते, लोगों की सोच और विचारधारा एक सेट हो जाती है कि हमको फला पार्टी को वोट करना है। एक हफ्ता जैसे बढ़ा फिर उनकी सोच और वो सारी चीजों फिर लंबा फासला हो गया, लोग माइंड सेट कर लेते हैं हमको फलाने को फलानी पार्टी को वोट करना है। हाँ। लेकिन एक हफ्ते का जो टाइम सरकार ने बढ़ा दिया है, उस एक हफ्ते के टाइम बढ़ने की वजह से अब उसके खर्चे भी बढ़ गए हैं, जो पर्दे के पीछे का सच है। जी, जी, जी। अब अगर 7 दिन में एक एक कैंडिडेट 2-2 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, ये तो वो लिखा पढ़ी में कुछ भी दिखाए, लेकिन जो सच है उसको तो दुनिया जानती है कि कम से कम 1.5 करोड़, 2 करोड़ एक एक प्रत्याशी का ज्यादा लगेगा। जब कोई विपक्ष की पार्टी का कोई नेता खड़ा होता है, आपने ये भी सुना होगा कि पैसा दो टिकट लाओ, ये पर्दे के पीछे का ये भी अप्रमाणित बातें हैं, लेकिन अगर वहां से पैसा देके टिकट ला रहे हैं और यहां आके लड़ रहे हैं, पता लगा उनके पास 4 करोड़ है खर्च करने के लिए और 13 तारीख तक व्यवस्था किए हैं, तो 13 से 20 तक की व्यवस्था वो कहां से करेंगे? तो ऐसे में सरकार तो अपने कैंडिडेट को लड़ाएगी ना, वो तो उपचुनाव खुद लड़ा रही है ना। तो योगी सरकार की ये नीति है 9 के 9 उपचुनाव वो जीतेंगे, 10वां मिल्कीपुर आपका प्रोसेस में है, मिल्कीपुर 7 में तो लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा ये निर्णायक भूमिका में होगा। हाँ, इसका तो इसका मतलब ये पीडीए के लिए नुकसान होने जा रहा। बिल्कुल होगा, ये तो खेला हो गया ना, उपचुनाव ऐसे भी सरकार का होता है, इन्होंने खेला कर दिया, 13 से 20 पहुंचा दिया, अब 13 से 20 का खर्चा ये लोग कहां से लाएंगे? और जो विधानसभा का खर्चा होता है उपचुनाव का बहुत बड़ा होता है, तो ये 1-2 करोड़ रुपया कहाँ से लेके आएंगे? तो सब कैंडिडेट नहीं खर्च कर पाएंगे, ऐसे में सरकार फिर हावी हो जाएगी। फिर हावी हो जाएगी। अभी तक टिकट आपके यहाँ डिसाइड नहीं किया गया बीजेपी से किसको मिलने जा रहा है, चुनाव की तिथि देखिए 13 से 20 हो गई, आखिर कहाँ पे पेंच फंसा है? देखिए, पेंच इसलिए फंसा, ये भारतीय जनता पार्टी है। आप किसी भी कैंडिडेट को देख लीजिए, वो एकदम कल अगर पर्चा भरना है तो आज रात में घोषित करेगी, और अंदर ही अंदर वो 4 से 5 लोगों को बता के रखते हैं, जाओ तैयारी करो जी, आपका टिकट पक्का है, नाम मत लेना किसी। तो ऐसे 4-5 लोग हैं जो वो एकदम फुल कॉन्फिडेंट है, लेकिन सही तो ये है कि जिसको मुख्य मिलना है, सरकार उसकी पूरी व्यवस्था करके रखी है और वो लड़ेगा और वो जीतेगा। 10-10 उपचुनाव ये जीतेंगे, क्योंकि बटोगे तो कटोगे का नारा एकदम पूरी तरह से देश में छाया हुआ है। आप लखनऊ की सड़कों को देख लीजिए, कालिदास मार्ग देख लीजिए, महाराष्ट्र की सड़कें देख लीजिए,
महंत योगी आदित्यनाथ का वो नारा आज सुपर हिट हुआ है और सपा उसको उलझाने उलझे नारे को सुलझाने में लगी है, लेकिन नहीं कर पा रही है। बटोगे तो आप टूट जाओगे, इकट्ठा रहोगे तो जीतोगे, ये रहेगा वो रहेगा। तो उनके पीडीए की कार्ड कट्टर हिंदूवाद से सीएम योगी जी निकाल रहे हैं और ये नारा बहराइच जैसे मामलों में सच भी होता लग रहा है। वह देखिए आप जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं शुरू हो गई, लोगों को मारना काटना शुरू हो गया है, ऐसे लोग वहां सरकार बना लिए हैं कि जो धारा 370 का वहां पक्षधर हैं कि ये देश से अलग होना चाहिए, इसका झंडा अलग होना चाहिए, ये भारत देश इसमें हुकूमत नहीं कर सकता। थू है ऐसी राजनीति पर जो हमारा देश, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति जो जहां का हकदार ना हो, ऐसे लोग वहां सत्ता प्राप्त कर लिए। तो हिंदू जान रहा है कि आज तो जम्मू कश्मीर गया, पाकिस्तान पहले भी जा चुका है, बांग्लादेश पहले भी जा चुका है, आज जम्मू कश्मीर की बारी है। और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है प्रतिदिन, देखिए बाबा बागेश्वर धाम ने कहा, बाबा बागेश्वर धाम ने कहा दो बच्चे नहीं, उनके 12 बच्चे हैं, हम दो बच्चे पैदा करें, हमारे 14 होने चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण एक कानून ऐसा है, हिंदू उसकी रास्ता देख रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, दो तुम्हारे होंगे तो दो हमारे होंगे, लेकिन तुम्हारे 12 हो और हमारे 2 हो, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे बाबा बागेश्वर धाम विपक्ष के रडार पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से सुर बाबा बागेश्वर धाम मिला रहे हैं। और चाहे सीएम योगी का वो बयान हो, बटोगे तो कटोगे, मोहन यादव का बयान है कि यहाँ पे रहना है तो भारत में तो राम राम कहना है, चाहे आप आसाम के विश्व शर्मा का बयान ले लीजिए कि मैं आसाम की धरती को मुस्लिमों की धरती नहीं बनने दूंगा। तो ऐसे में राम मंदिर के मुद्दे को पर्चे लेते लेते ये लोकसभा गंवा चुकी है भाजपा, इसलिए कट्टर हिंदूवाद के रास्ते पर चल रही है और हिंदुओं को एकजुट करने में लगभग कामयाब हो रही है। बहराइच कांड देख लिए, पंडित और ठाकुर वहाँ डंडा लेकर नहीं दौड़ रहे थे, वहाँ पर पीडीए के लोग सबंडों से कंधा मिला के दौड़ रहे थे सड़कों पर। ये लोग बता दें कि बहराइच में पैदल दौड़ने वाले कौन लोग थे, कौन लोग थे वहाँ पर, सारे लोग एक तरफ से नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग वहाँ पर हिंदू बन के दौड़ रहे थे कि नहीं दौड़ रहे थे। तो आज बहराइच कांड यहां हावी है और भाजपा पूरे देश में हावी आज के लिए। आगे की परिस्थितियां क्या होंगी, आगे कौन सा मैटर होगा, वो आगे तय किया जाएगा। मतलब ये चुनाव जो टाला गया है, एक रणनीति के तहत टाला गया, रणनीति के तहत टाल दिया गया। देखिए विपक्ष आज सरकार में नहीं है और शासन सत्ता का चुनाव उपचुनाव होता है। ये ईवीएम का रोना रोते थे कि नहीं रोते थे, लेकिन लोकसभा जीत गए तो काहे नहीं रोए आप, तब भी रोना चाहिए था ना। जीत गए ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम खराब है, वह देश का बांटा बांटे धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो राजनीति कर रहे हो जात की। बाबन ठाकुर का कहीं नाम नहीं लेते हो, लाला बनिया का कहीं नाम नहीं लेते हो, पीडीए ही इंसान है। तो ऐसे में तुम जातियों को नहीं बांट रहे हो, जातियों को तो तुम भी बांट रहे हो ना, बांट रहे हो कि नहीं बांट रहे हो। तो सिर्फ बीजेपी गलत है ये कहना गलत होगा, ये सारे राजनीतिक गलत हैं, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को नेस्तनाबूद करने पर लगे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने पर लगे हैं। ये अपनी रोटी से कहें दलाली करें, कमाए खाएं, इनके गधारा प्रमुख बने, इनके गधारा विधायक बने, आम आदमी मर जाए भूखन, इनके गधारा MBA BTech और फलाना ढिमका कह के पैदल घूमें मजूरी करें। लेकिन विधायक का लड़का विधायक होगा, सांसद का लड़का सांसद होगा, यही सत्य। आम आदमी पागल हो चुका है इनके चक्कर में, इनका हमारे तोरे देश के धारा अगर दिल्ली मुंबई गुजरात बंगाल बड़ोदरा नहीं जाएगा, घर का चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन चौराहे बैठे हमारे तोरे देश अखिलेश जी बनिए, योगी जी बनिए, इसी में उलझा के रखा है, जातिवाद में उलझा के रखा है, धर्मवाद में उलझा के रखा है, इस देश की ऐसी तैसी करके इन नेताओं ने रखा है। सही बात तो है चौराहे बैठा आम आदमी ये चीज़ भूल चुका है कि हमारे बैंक बैलेंस कितना है, हमारे गधारा फीस जमा है नहीं जमा है, उनको इस चीज़ से मतलब है नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में योगी जी भरे हैं, अखिलेश जी भरे हैं, PDA भरा है, धर्म भरा है, ये सब घातक है। कट्टर हिंदूवाद भी घातक है, कट्टर मुस्लिमवाद भी घातक है और कट्टर जातिवाद भी घातक है, ये देश को तोड़ने की राजनीति है।
आप हैं राजनारायण पांडे जी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपका कहना है कि ये जो चुनाव की तिथि टली है, एक रणनीति के तहत टली है, इसमें सीधा से आप जान लीजिए कि प्रत्याशियों के लिए, चूंकि सत्ता पक्ष लड़ रहा है बीजेपी की तरफ से और पीडीए का नारा देने वाले जो लोग हैं, निश्चित रूप से इस चुनाव में आर्थिक रूप से उनके ऊपर बोझ पड़ने जा रहा है। ये पूरी रणनीति है। हमारा देश हमें जात में बटा है, धर्म में बटा है, ये राजनीतिज्ञों की एक चाल है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं पांडे जी। धन्यवाद। थैंक यू।